दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि मोहता है। मैं एम्स से एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ। मैं नोएडा के शिवालिक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मरीज अक्सर हमसे ये जानना चाहते हैं कि घर बैठकर हम कोविड-19 के इलाज की तैयारी क्या कैसे करें। देखिए, कोविड-19 के बीमारी जो है, इसके दो पहलू। ज्यादातर लोगों में कोविड-19 की बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती, नॉर्मल रूटीन इलाज से मरीज ठीक हो जाते हैं। तो और कुछ लोगों में जिसमें समस्या बढ़ जाती है, उसके अंदर कोविड-19 की बीमारी बहुत गंभीर रूप ले लेती है और मरीज को भर्ती होने की या ऑक्सीजन की या आईसीयू की जरूरत। तो हर व्यक्ति जो कोविड-19 का इलाज करना चाहता है या कोविड-19 से बीमारी को पकड़ सकता है, उसको दो चीजें करनी चाहिए। पहली चीज कि वह अपना इलाज, अपनी जांच, अपने सब सब इलाज जल्दी शुरू करे, ताकि कोविड-19 की बीमारी उसको गंभीर रूप को न धारण। इसके लिए दो तीन चीजें जरूरी। पहली चीज, तो कुछ लोग दवाइयों का बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल यदि बीमारी के बहुत अर्ली फेज में किया जाए, पहले 4-5 दिन में, जब तक कोई उसका असर नहीं आता, तो बीमारी बिगड़ सकती है और हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। तो आपको व्हाट्सएप मैसेजेस से या वीडियो से या इंटरनेट से पढ़ के कोविड-19 के, यदि आपका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आता है या आपके लक्षण आते हैं, तो तुरंत ही इलाज को आंख बंद करके ना शुरू करें। किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें आपको कौन कौन सी दवाइयों की जरूरत है, कौन सी दवाइयों को लेने से आपको फायदा होगा और कौन सी दवाइयों का आपको नुकसान कर सकती है। कुछ दवाइयां जो कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होती है, स्पेशली स्टेरॉइड्स, यदि उनको बहुत जल्दी इस्तेमाल कर दिया जाए तो फायदा करने के बाद नुकसान करने लगती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें दवाइयों का सही प्रॉपर यूज करना है, ताकि हमें जरूरत पड़ने पर हम उनको इस्तेमाल कर सकें और गलत दवाइयों का इस्तेमाल गलत समय पे ना करके अपनी बीमारी को ज्यादा गंभीर रूप ना। दूसरी चीज यह है कि कुछ लोग बीमारी के बिगड़ने के बाद भी लगातार अपने आप अपना इलाज करने की कोशिश करते रहते हैं, घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते रहते हैं, और जब हालत बिगड़ती है तब अस्पताल के जाते हैं। देखिए, एक बात ये बिल्कुल क्लियर है कि यदि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% से नीचे जा रही है, 90% से नीचे जा रही है, तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड मेडिकल केयर की जरूरत है। आज की तारीख में समस्या ये है कि बहुत सारी जगह हॉस्पिटलाइज्ड मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो यदि आपकी सैचुरेशन 90 के तरफ जा रही है या आपको लग रहा है नीचे जा रही है, तो आपको तुरंत एक तो अपने जो स्टेरॉइड्स हैं और बाकी प्रॉपर दवाइयां हैं किसी मेडिकल केयर में लेके उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर, मेडिकल गाइडेंस लें। अर्ली इंजेक्टेबल स्टेरॉइड थेरेपी जो है, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बीमारी को बिगड़ने से बचा सकते। तो यदि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन है और आपको लग रहा है कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सबसे पहले आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ भागने से पहले, सबसे पहले आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कोविड का स्टार्ट करें। आप अपने स्टेरॉइड लें, बाकी दवाइयां लें, प्रॉपर बुखार को कंट्रोल करें। यदि आपका सेचुरेशन गिरने लगता है, तो सबसे पहले प्रॉपर मात्रा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल शुरू करें और बीमारी को बिगड़ने से। इस बीच आप कहीं से ऑक्सीजन की सिलेंडर की या कॉन्सेंट्रेटर की या किसी आसपास के नर्सिंग होम में जो कम्युनिटी सेंटर्स बने, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई को एक्सेस अपने आप रखना चाहिए कि आपको यदि जरूरत पड़े तो आप कहाँ से हो। तीसरी चीज, आपको आपने आसपास के एरिया में ये एक सर्वेलेंस रखना पड़ेगा कि आपके आसपास के एरिया में कौन से हॉस्पिटल्स इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, और उनको कंट्रोल करने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसलिए यह चीज जरूरी है कि आप कोविड-19 के इन्फेक्शन को सिवियर होने से बचने के लिए प्रॉपर टाइम पे सही दवाइयां लें और अपने आप को ज्यादा बीमार होने से बचाएं।